सीजन जाते जाते आज हम सर्दी की एक खास सब्जी बनाएंगे, मटर की और गाजर की, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो सीजन जाते जाते ताजी हरी सब्जियों का भी सीजन चला जाता है और सर्दियों का ही ये टाइम होता है जिसमें हमें ताजा सब्जियां मिलती हैं और जो हेल्दी भी होती हैं और खाने में स्वादिष्ट भी लगती हैं। तो आप तो हो रहा है और हमने गाजर और मटर की सब्जी तो बनाई नहीं। अगर मटर की सब्जी नहीं बनाई है तो चलिए मिलकर बनाते हैं। गाजर की सब्जी बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिए 4 गाजर, जिन्हें साफ करके छिलका उतार लिया है और धो लिया है, और आधी पाव लिया है मटर, 1 टमाटर, 2 हरी मिर्च और 1 अदरक। बस 4 से 5 चीज़ें ही हमें सब्जी बनाने के लिए चाहिए। आप चाहें तो यहाँ पे प्याज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं बिना लहसुन प्याज की सब्जी को बनाऊंगी। जितनी सिंपल सब्जी बनेगी खाने में उतनी ज़्यादा स्वादिष्ट होगी और हेल्दी भी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गाजर को कट करते हैं। गाजर को हमने छिलका उतार के साफ करके धो लिया है, तो हम इसे छोटा छोटा ही कट करेंगे, मटर के दाने के जितना ही गाजर को कट करेंगे और गोलाई में कट करेंगे। देखने में भी अच्छी लगती है और खाने में भी। और गाजर को बहुत ज्यादा मोटा नहीं काटेंगे, थोड़ा पतला पतला ही कट करेंगे। और जो गाजर का ये पीछे वाला हिस्सा होता है मोटा, इसमें हम कट लगाएंगे और इसे इस तरीके से कट करेंगे, क्योंकि पीछे का हिस्सा थोड़ा हार्ड भी होता है और थोड़ा सा मोटा भी होता है, तो पकने में समय लगा देगा, इसलिए इसे 2 पार्ट करके पतला पतला कट कर लेना है। गाजर को यहाँ पे हमने कट कर लिया है। अब हमें बनाना है टमाटर, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। आप यहाँ पे बारीक काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन पेस्ट बनाने से मसाले और गाजर मटर सब एक साथ पके तो सब्जी का फ्लेवर और ज़्यादा निखर के आता है। चीज़ों को पकाएंगे तो वो फ्लेवर नहीं आएगा। सभी चीज़ों को हम साथ में पकाएंगे जिससे सब्जी का फ्लेवर और ज़्यादा निखर कर आएगा। तो चलिए पेस्ट तैयार कर लेते हैं। लेते हैं मिक्सर जार और कट कर लेते हैं टमाटर। अगर आप प्याज ले रहे हैं तो आप यहाँ पे एक छोटा प्याज लें और उसे भी मिक्सर में पीस लें साथ में ही। काटेंगे अदरक, अब जाएगी हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपनी पसंद से बढ़ाकर भी ले सकते हैं, और अगर ज्यादा तीखी मिर्च है तो आप एक भी ले सकते हैं, और अगर लाल मिर्च डालना है तो उसका इस्तेमाल करेंगे बाद में। अब यहाँ पे जाएगा थोड़ा सा पानी। सभी चीज़ों को ग्राइंड कर लेते हैं। सभी चीज़ों को यहाँ पे हमने पीस लिया है। अब आइए गैस की तरफ, फ्लेम ऑन करनी है और पैन या कढ़ाई आप रख लीजिए, और लेना है तेल, 1 चम्मच तेल, आप घी भी ले सकते हैं। तेल को होने देना है गरम। अगर सरसों के तेल में मिला रहे हैं तो सरसों के तेल को धुआं आने तक गरम करें। तो अब लेना है यहाँ पर 1 छोटा चम्मच जीरा। जब जीरा चटक जाए फिर लेना है टमाटर, अदरक, लहसुन और इसे मिक्स कर लेना है। 10 से 20 सेकेंड इसी तरीके से लो फ्लेम में छोड़ दें। मसाले 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच भर के लेना है धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हींग, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर या देगी मिर्च, नमक स्वाद अनुसार। मसालों को मिक्स कर लेते हैं। अब आप यहाँ पे अगर लाल मिर्च डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। तीखा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप लाल मिर्च लास्ट में डालें। यहाँ पर देखिए मसाला भी अच्छे से पक रहा है। अब यहाँ पर लेनी है हमें गाजर, मटर और सभी चीज़ों को कर लेना है अच्छे से मिक्स। सर्दियों की ये बहुत ही खास सब्जी है, और सर्दियों में गाजर और मटर नहीं खाया तो क्या खाया, इसे आप जरूर बनाएं। अब गैस की फ्लेम को लो रखना है और कवर कर लेना है इसे 2 मिनट के लिए। 2 मिनट बाद सब्जी को देख लेते हैं। सब्जी में पानी हमने नहीं डाला है, इस तरीके से बनाएंगे, सब्जी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। गैस की फ्लेम को लो ही रखना है, बिल्कुल लो फ्लेम में हमने इसे वापस से कवर कर लेना है, और तब तक इसे पकाना है जब तक हमारी मटर अच्छे से पक ना जाए। 5 मिनट बाद हम ढक्कन को खोलते हैं।
सब्जी को देख लेते हैं, मटर भी पकी है या नहीं मटर को भी चेक कर लें। अगर मटर ना पकी हो तो वापस से आप पका सकते हैं, और हल्का सा पानी भी आप ले सकते हैं, नहीं तो बिना पानी के ही पक जाती है और खाने में ज़्यादा ही स्वादिष्ट लगती है। अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पर नींबू का रस। नींबू का रस डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको खट्टापन अच्छा लगता है, सब्जी का स्वाद तो ये बढ़ाएगा ही, अगर आपको पसंद है तो आप डालिए, नहीं तो स्किप कर दीजिए। और नहीं तो आप सब्जी में मिठास पसंद करते हैं तो आप यहाँ पर हल्का सा चीनी भी ले सकते हैं, मिला लेते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी ट्राई करने के बाद अच्छी लगती है तो रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लें, जिससे आने वाली हर रोज़ नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। यहाँ पर एक चम्मच घी, घी डालने से सब्जी का स्वाद भी बढ़े, चमक आती है सब्जी में और स्वाद को भी बढ़ाता है घी, इसे मिला लेते हैं। गैस की फ्लेम को बंद कर लेते हैं। गाजर और मटर की सब्जी बनके तैयार है। गाजर की सब्जी को सर्व कर लेते हैं। गाजर की सब्जी खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। मिलते हैं कल एक फिर नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।